the mobility of free electron is greater than that of free holes. मतलब हमें बोला गया है कि electrons की, free electrons की basically is greater than mobility of holes. बिल्कुल एकदम सही बात है. It is because, क्यों ज्यादा होती है? अगर हम लोग देखें तो मान लेते हैं कि ये हमारा वैलेंस बैंड है, और ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारा कंडक्शन बैंड है, और सपोज दिस डेल्टा ईजी इज द एनर्जी गैप. अब मान लीजिए हमने अगर एनर्जी दी तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन कूदकर इधर चले गए और अपनी जगह पर क्या छोड़ गए हैं? होल्स छोड़ गए हैं. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं क्या चीज? फ्री इलेक्ट्रॉन विच आर यूज टू पार्टिसिपेट इन कंडक्शन. ठीक है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में है. कंडक्शन बैंड में है मतलब इनके पास ऑलरेडी एनर्जी है. अब अगर हमें इनको कंडक्ट करना है तो इनको बहुत ही कम एनर्जी रिक्वायर्ड, अगर इनकी एनर्जी रिक्वायर्ड पूछा जाए कि अगर इनको कंडक्शन करवाना है तो इनकी एनर्जी रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा कम होगी. पर यहां जो होल्स हैं ये ऑलरेडी एनर्जी लेवल इनका कम है, इनको हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी फॉर द कंडक्शन. तो यहां पर देखते हैं कि इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी फ्लो होते हैं. उनकी मोबिलिटी, उनका भागने का जो रफ्तार है, या उनकी मोबिलिटी अगर हम लोग बात करें तो मोबिलिटी को हम लोग ऐसा भी दिखा सकते हैं दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इन टू ई. तो मोबिलिटी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई, मतलब जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी मोबिलिटी यहां पर ज्यादा होनी चाहिए. और जो कम फील्ड पर, कम एनर्जी देने पर ज्यादा भागे उसकी मोबिलिटी यहां पर ज्यादा होगी. यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ऑलरेडी वो कंडक्शन बैंड में है, ऑलरेडी उनके पास अच्छी खासी एनर्जी है, जो एनर्जी वो यहां से यहां पर जाने के लिए लेकर गए थे तो ऑलरेडी उनकी एनर्जी ज्यादा है, और उनको अब जो एनर्जी है वो कम रिक्वायर्ड है, प्लस उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा है, तो बेसिकली उनकी मोबिलिटी ज्यादा होनी ही चाहिए. सो दे कैरी, तो यहां पर हमसे पूछा है कि मोबिलिटी ज्यादा होने का रीजन क्या है? द कैरी द नेगेटिव चार्ज. नहीं, यहां पर चार्ज का कोई लेना देना ही नहीं है, दोनों का चार्ज बराबर है. दे आर लाइट, यहां पर वेट से भी कोई लेना देना है. दे म्यूचुअली कोलाइड लेस. नहीं, दोनों बराबर ही कोलिजन करते हैं. दे रिक्वायर लो एनर्जी टू कंटिन्यू देयर मोशन. ये एकदम सही बात है, क्योंकि दोनों को, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में चले गए हैं तो उनको ऑलरेडी अब उनको एनर्जी बहुत ज्यादा कम चाहिए होगी. तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा सही आंसर होना चाहिए.